नमस्कार, लाइट कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये तीन प्याज लिया है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक पतला काट लिया है। इसे फ्राई करने में आसानी होती है। ये मैंने गरम मसाला लिया है, दो हरी इलायची, एक बड़ी काली इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च साबुत, जीरा साबुत, दो बेल लीव्स कट यानी दही, ये एक चम्मच भुना हुआ बेसन, कच्चा बेसन नहीं यूज करना है, ये हरी मिर्च, ये पुदीना के पत्ते हैं और ये धनिया पत्ती है। ये मैंने कीमा लिया है जिसे मैंने मिक्सी में बारीक पीस लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई पहले ही रख दिया है तेल गरम करने होने के लिए। हमारा तेल गरम हो चुका है। पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। जब तक हमारा प्याज फ्राई होता है, चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। हम चिकन में बारीक बारीक धनिया पत्ती काट लेंगे। इधर कोफ्ते की हम तैयारी करते हैं। और ये कुछ मिंट्स है, ये भी हम तरह काट लेंगे, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें हम बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। इसमें आधा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसे कर देते हैं मिक्स। ब्लैक पेपर, हरी मिर्च या चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं आप, अगर आपको पसंद है। मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी चिली फ्लेक्स। कि हमारे प्याज हो गए फ्राई, अब हम इसे अलग निकाल लेंगे प्लेट में। हम प्याज थोड़ा ठंडा होने देंगे क्योंकि हमें ये मिक्सी में पीसना है। ये हमने लिया है दही। और हम ये प्याज हमारे ठंडे हो चुके हैं थोड़े, अब इसे हम इसमें डाल देंगे। इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। नमक का ध्यान रखना है कि हमने कोफ्ते में भी नमक डाल रखा है। इसमें हम पानी में अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम डालते हैं तेज पत्ता, ये सब जो भी हमारे साबुत गरम मसाले। इसमें डालेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। और हम ये डालेंगे इसमें मसाले का जो हमने पेस्ट बनाया है, हल्का फ्लेम कर देंगे। इस अच्छे से हम पकाएंगे। हम
नींबू आ गया, अब इसमें हम जो हमने प्याज और दही का पेस्ट बनाया था वो डाल, इसे हम हल्के फ्लेम में 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। चलिए तो हम तैयार कोफ्ते तैयार कर लेते हैं, और हमने ये भुना हुआ बेसन नहीं डाला था, ये मैं अब डाल दूं। हम इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे, आपको जैसे साइज पसंद है छोटा बड़ा आप अपने अकॉर्डिंग बनाइए। लीजिए दोस्तों, हमारे कोफ्ते बनके रेडी हो गए। चलिए देखते हैं, इसलिए हमें हिलाते हैं, 2-3 मिनट के लिए हम अभी और छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं, लीजिए हमारा मसाला पक के रेडी हो गया, और अलग हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये कोफ्ते। मैंने बिना फ्राई कोफ्ते बनाए हैं, आप फ्राई करके भी बना सकते हैं। अभी हम इस मसाले में इस कोफ्ते को अच्छे से भूनेंगे। चलिए देखते हैं, देखिए अब हमारा कोफ्ते बन के रेडी हो। अब हम गैस करते हैं बंद, और डालते हैं धनिया पत्ती, और करते हैं अब इसकी प्लेटिंग। लीजिए हमारा चिकन कोफ्ते बन के रेडी हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राई कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।